अच्छी बात है कि प्रत्येक वर्ष इनके याद में स्वर्गीय सुनील कुमार सहाय जी जो बहुत ही प्रसिद्ध अधिवक्ता थे उनकी स्मृति में यहाँ पर सनदिया में और मुखिया जी के सौजन्य से सारी मेहनत सारी आयोजन इन्हीं का रहता है और निःशुल्क शिविर लगाया गया है जिसमें कि सभी विभाग से कोई न कोई चिकित्सक आते हैं यहाँ पर और लोगों को देखते हैं। और इस तरह के शिविर का मूल्यांकन इस तरह से नहीं लेना है कि इसमें सारा 100% काम हो जाएगा, लेकिन जागरूकता जरूर होती है, लोगों को बताया जरूर जाता है कि आपको ये रोग है, आपका यहाँ इलाज संभव है। अगर सदर में जो चीज़ संभव है हम लोग बता देते हैं कि हाँ सदर में संभव है और उनको यथासंभव कुछ दवाएं भी आई हैं, संशोधन साहब की दवा भेजे हैं, हम लोग भी लेके आए हैं, तो उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट एड हो वो मिल जाए, कुछ दवाएं मिल जाए। लेकिन मेन है कि जागरूकता को प्राथमिकता दी जाती है, लोगों में जागरूकता जरूर आए कि लोग समझे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को 60 ईयर्स के हैं और उनको ये पता नहीं है कि चश्मा लगाना चाहिए, 40 के बाद नेचुरल प्रक्रिया है कि रोशनी घट जाती है, और लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, बस लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही कम हो गई रोशनी दृष्टि को, तो उनको चश्मे से फायदा हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं जिनसे, या छोटी मोटी बीमारी भी है तो उनका भी उसका भी इलाज हो जाता है। सुबह से पेशेंट आ रहे होंगे, उनको बहुत सारी बीमारी के बारे में पता नहीं होगा जी, और अभी तक कुछ नया चीज देखने को मिला होगा। ज्यादातर ऐसे ही लोग यहाँ इन शिविरों में ज्यादातर ऐसे ही लोग आते हैं जो उनको में जागरूकता का अभाव है, उनको पता नहीं होता है। जो जागरूक होते हैं वो तो शहर में जाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके अपना इलाज करा ही लेते हैं, लेकिन जो जागरूक नहीं होते हैं वो गांव में ऐसे कहीं बाहर भी नहीं जा पाते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है। तो ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग उनको जागरूक करें और यथासंभव उनके इलाज में हम लोग मदद भी करें। थैंक यू सर। आज स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन हुआ है और पहले से भी चला आ रहा है, क्या लग रहा है अभी, कैसी लोगों की रुचि रही? देखिए प्रत्येक वर्ष की भांति स्वर्गीय अनिल जी सहाय जी की स्मृति में ये कैंप लगाया जाता है और इसमें विशेष तौर जो उनके छोटे भाई जो हैं डॉक्टर सुधीर जी सहाय अधिवक्ता बहुत अच्छे लायर हैं, उन्हीं के देख रेख में कैंप लगाया था, हम सहयोगी रूप में काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष की बात इस साल भी बेहद रूप से लगाया गया है, आप देख सकते हैं यदा भीड़ और संख्या बहुत, सुबह से ही भीड़ चली आ रही है, 10:30 से 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। और मेनली सोच होता है हम लोग ताकि मैक्सिमम दवा जांच कराया जाए और अच्छे से जो डॉक्टर हैं डॉक्टर के एन सिन्हा जी, डॉक्टर रुमटा सर, अमित जायसवाल जी, रोहित प्रियदर्शी जी, होम्योपैथी डॉक्टर उदयनारायण सिन्हा जी और तमाम डॉक्टर अशोक कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, एस के रुमटा साहब, बहुत तमाम डॉक्टरों का सहयोग मिलता है हर एक साल और इस बार भी सारे लोग आए हुए हैं। स्मृति में ये स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है और कई वर्षों से लगाते जा रहे हैं लोग, मतलब क्या लोगों का रुझान क्या रहा है कि कैसे चल रहा है? लोगों का लगातार रुझान बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये कैंप एक दिखावा के लिए कैंप नहीं लगता है, इसमें सारे फैसिलिटी दिया जाता है, 8-10 दिन का दवा दिया जाता है, जांच भी होता है और ये भी एक ये होता है कि अभी डॉक्टर के एन सिन्हा जी बोल कर गए हैं कि बहुत से ऐसे सर्जन सर्जरी करने के योग है जो रोगी मिलेंगे उनको हॉस्पिटल से मुफ्त में उनका सर्जरी कराया जाएगा। तो ऐसे ऐसे तमाम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जिस तरह का किस तरह से दिक्कत हो तो अच्छे से जो डॉक्टर यहाँ इस कैंप में शामिल हुए हैं उनके माध्यम से उनको विशेष तौर पर इसको मुहैया कराया जाए ताकि वो इसका लाभ उठा सके। इसमें आपके पंचायत के लोग आ रहे हैं बाहर से? देखिए हम संदिया पंचायत के साथ साथ बाहर के ही लोग भी आते हैं इस कैंप में और उसका लाभ उठाते हैं। हम लोग का विशेष सोच ही है कि गरीब गुरबा जो आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग इस कैंप का बहुत विशेष लाभ उठाए। तो ऐसा मनोरमन जो लोगों को लेकर के स्वास्थ्य आपके पंचायत में चलता है और आप भी इसमें सहयोग रखते हैं तो आपके लोगों को निश्चित रूप से लाभ होता होगा। निश्चित तौर पर जहां जिस पंचायत में कैंप लगेगा वहां के विशेष लोग का भी सहभागिता होगी, वो लाभ तो उठाएंगे, लेकिन हम लोग का सोच ये रहता है जिसे कि हमारे जैसे भोजपुर जिला में जितने भी इलाका जितने भी पहुंच हो, चाहे पेपर के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आप लोग के माध्यम से या बैनर के माध्यम से, सारे लोग को ये खबर दी जाती है और अपील की जाती है कि इस कैंप का लाभ उठाए। जी आज स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है? जी फ्री स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाती है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी की गई है और इसमें सिर्फ जांच पड़ताल ही नहीं होता है बल्कि आप देखेंगे कि फ्री मेडिसिन की भी व्यवस्था की गई है,
बांटा जाता है। इसका दो उद्देश्य है, एक तो हेल्थ कैंप लगता है, सबके जांच पड़ताल भी की जाती है, दवा भी दी जाती है, और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में। गांव देहातों में देखिएगा कि अभी स्वास्थ्य के प्रति कम लोग जागरूक हैं, और इसलिए इन लोगों को इस कैंप के द्वारा हम लोग इस कैंप के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, और ये बतलाते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ठीक रहेगा तभी सब कुछ हो सकता है। आप देखेंगे कि एक उम्र के बाद जब ढलान पर होता है लोग तो स्वास्थ्य के प्रति लोग ध्यान नहीं देता है, तो हम लोग यही बतलाते हैं कि देखिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़े अमूल्य धन है, इस पर आप लोग ध्यान दिया कीजिए। ये कैंप तो बहुत सालों से लगाया जा रहा है, करीब 10-12 वर्षों से लगाया जाता है, दिन बढ़ते जा रहा है, लोगों की और ज्यादा विश्वास जमते जा रहा है, जी जी संख्या भी बढ़ते जा रही है, जी 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 जी, इसमें हजारों की संख्या में लोग दिखाते हैं। इसमें हमारे पंचायत के मुखिया जी भी हैं, हरिंदर जी, उनकी प्रमुख भूमिका होती है। बड़की सनदिया के भी पूर्व मुखिया हैं राजेश्वर पासवान जी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इन लोगों के सहयोग से हम लोग ये करते हैं। उनकी स्मृति में अनिल कुमार सहाय एक अधिवक्ता, हम लोग के बड़े भाई थे, अधिवक्ता थे, बहुत ही इमिनेंट लॉयर थे, उन्हीं के स्मृति में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। जी, अपना परिचय बताइए। सुधीर जी सहाय अधिवक्ता। सर आज छोटी सनदिया पंचायत में जो मेडिकल कैंप आपने लगाया गया है पंचायत में, क्या कहेंगे सर इसके विषय में? देखिए ये सनदिया में, छोटी सनदिया में जो कैंप लगता है वो हर साल लगता है जी, विगत कई सालों से लग रहा है ये, और ये हम लोग स्वर्गीय अनिल जी सहाय हैं जो अधिवक्ता थे और इस गांव के रहने वाले थे, एक बहुत बड़े अच्छे समाज सेवी थे, तो उनकी याद में हम लोग ये कैंप लगाते हैं, कई सालों से लगा रहे हैं, हर साल लगता है ये, और इसमें हमारे हरेंद्र मुखिया जी गांव के हैं जी, ये काफी इनका योगदान रहता है, इनका रहता है सहयोग, और इनके और इनके अनिल जी सहाय जी के छोटे भाई हैं अधिवक्ता ये सुधीर जी सहाय और हमारे मुखिया जी हरेंद्र जी, दोनों लोगों के सहयोग से ये कैंप लगाया जाता है, और इसमें तमाम अगल बगल इतने गांव हैं, काफी दूर दूर तक के गांवों के लोग यहां आते हैं, और हर तरह का यहां पर सुविधा दिया जाता है, हर विभाग के डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं। मैं डॉक्टर केन सिन्हा फिजिशियन के रूप में हूं, और यहां दंत चिकित्सक डॉक्टर रोहित जी हैं यहां पर, और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित हैं, हड्डी के डॉक्टर कुमार जितेंद्र हैं, इस तरह बहुत से डॉक्टर लोग, हर विभाग के डॉक्टर रुंगटा जी आंख के हैं, हर विभाग के लोग डॉक्टर लोग आते हैं, और इनको हम लोग सेवा देते हैं समाज को, और सदर अस्पताल से मैं दवा का व्यवस्था कराता हूं, और स्टॉक से काफी दवाइयां, हर तरह के बीमारी की दवाइयां आया हुआ है दवाइयां, और हमारे सदर अस्पताल के स्टॉक कीपर हैं और फार्मासिस्ट बल्कि हैं ये लोकेश जी, इनका विशेष सहयोग रहता है, दवा हर साल ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। पंचायत के मुखिया का सहयोग कैसा रहता है सर? पंचायत के मुखिया जी हरेंद्र जी हैं, इन्हीं के प्रेरणा से, इन्हीं के प्रयास से, बल्कि इनके प्रयास से ये कैंप लगाया जाता है, इनका सबसे ज्यादा प्रयास इन्हीं का रहता है, और इनमें सहयोग करते हैं स्वर्गीय अनिल जी के सहाय के भाई सुधीर सहाय, तो हरेंद्र जी का विशेष रहता है इसमें प्रयास, और इन्हीं के प्रयास से इनके हम लोग कहने पर हम लोग यहाँ आते हैं, और तमाम लोग आकर यहाँ गांव लोगों का सेवा करते हैं, पंचायत वासियों को मेडिकल का लाभ देते हैं। हाँ, लेते हैं, जांच की व्यवस्था की गई है जी, और जो जांच यहाँ नहीं हो पाएगी वो बड़े जांच के लिए हम लोग कुछ अस्पताल में फ्री में जांच कराएंगे, और यहाँ से सिलेक्टेड जो होंगे, ऑपरेशन का भी केस होगा उसको भी हम लोग फ्री हम लोग ऑपरेशन करवाएंगे अस्पताल में। धन्यवाद।